अब इस क्वेश्चन में कह रहा है अ रेक्टेंगुलर ग्राउंड इज 90 मीटर लॉन्ग एंड 32 मीटर ब्रॉड एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड है ये रेक्टेंगुलर ग्राउंड है जो 90 मीटर लॉन्ग कह रहा है और 32 मीटर ब्रॉड कह रहा है राइट right? अब आगे क्या कह रहा है इन द मिडिल ऑफ द ग्राउंड देयर इज अ सर्कुलर टैंक ऑफ रेडियस फोर्टीन मीटर ग्राउंड के मिडल में एक सर्कुलर टैंक है ये एक सर्कुलर टैंक है जिसका रेडियस फोर्टीन मीटर दे रखा है ये रेडियस हमें दे रखा है फोर्टीन मीटर राइट आगे क्या कह रहा है फाइन द कास्ट ऑफ टर्फिंग द रिमेनिंग पोर्शन एट द एंड एट द रेट ऑफ फिफ्टी पर स्क्वा मीटर तो हमें कॉस्ट निकालनी है ये जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको उखाड़ने की कितने रुपए से फिफ्टी पर मीटर स्क्वायर के रेट से है राइट right? तो हम इसको उबड़ खाबड़ मतलब इसको उखाड़ने की कॉस्ट कैसे निकालेंगे तो देखिए बड़ी चीज़ क्या है हमारी रेक्टेंगल है और उसकी छोटी चीज़ क्या है सर्कल है अगर हम बड़े के में से छोटे का एरिया माइनस कर देते हैं तो ये बचा हुआ एरिया आ जाएगा तो पहले हम बचे हुए एरिया निकालेंगे तो हमें क्या दिया हुआ है लेंथ दे रखी है लेंथ ऑफ ग्राउंड दे रखा है रेक्टेंगुलर ग्राउंड दे रखा है दैट इज 90 मीटर और हमें ब्रेथ दे रखी है ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्राउंड दे रखा है दैट थर्टी टू मीटर तो एरिया ऑफ ग्राउंड निकाल लेंगे एरिया ऑफ ग्राउंड एरिया कितना हुआ ग्राउंड का दैट इज लेंथ इन टू ब्रेथ अब लेंथ थी हमारी 90 मीटर और ब्रेथ थी हमारी 32 मीटर तो कितना आ गया ज़ीरो एज इट इज़ नाइन टू जो एटीन कैरी वन नाइन थ्री जर ट्वेंटी सेवन एंड ट्वेंटी एट और क्योंकि मीटर यूनिट थी तो मीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया इस रेक्टेंगुलर ग्राउंड का अब इसी तरीके से हम सर्कल का एरिया निकाल लेंगे कैसे देखिए रेडियस हमें कितना दे रखा है रेडियस ऑफ टैंक दे रखा है हमें दैट इज फोर्टीन मीटर राइट तो एरिया क्या हो जाएगा टैंक का एरिया ऑफ टैंक क्योंकि ये सर्कुलर फॉर्म में है तो सर्कल का ही एरिया निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर तो पाई की वैल्यू ट्वेंटी टू अपॉन्ट सेवन और रेडियस था हमारा फोर्टीन मीटर तो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे सेवन वन 7 सेवन सेवन टू ज फोर्टीन तो ये कितना आ गया ट्वेंटी टू टू ज़ फोर्टी फोर इंटू फोर्टीन फोर्टीन फिफ्टी सिक्स फाइव कैरी सिक्सटी वन तो ये आ गया सिक्स वन सिक्स मीटर स्क्वायर एरिया आ गया टैंक का अब हम रिमेनिंग पोर्शन का एरिया निकाल लेंगे तो एरिया ऑफ क्योंकि हमें कॉस्ट इसको टर्फिंग करने की निकालनी है इसलिए एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन निकाल लेंगे रिमेनिंग पोर्शन कितना हो गया इज़ हम बड़े के एरिए में से एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से एरिया ऑफ टैंक माइनस कर देंगे राइट तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना था 2880 मीटर स्क्वायर और टैंक का एरिया था 616 मीटर स्क्वायर तो ये कितना आ गया टेन में से सिक्स गैस फोर सेवन में से वन गैस सिक्स एट में से सिक्स गैस टू एंड टू टू थाउजेंड टू हंड्रेड एंड सिक्सटी फोर मीटर स्क्वायर हमारा एरिया बचा हुआ है राइट right? उसमें हम टर्फिंग कर सकते हैं तो अब हम कॉस्ट निकालेंगे टर्फिंग की तो देखिए हमें वन मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी है तो वन मीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ टर्फिंग इज रुपीज फिफ्टी तो 2264 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या होगी कॉस्ट ऑफ टर्फिंग इज एक की वैल्यू दे रखी है ज्यादा की निकालनी है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2264 की मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से और आंसर रुपीज में आ जाएगा तो कितना रुपीज आ गया जीरो एज इट इज फाइव फोर जो ट्वेंटी फाइव सिक्स जो थर्टी थर्टी टू थ्री कैरी फाइव टू ज टेन थर्टीन वो वन कैरी फाइव टू ज टेन एंड इलेवन तो हमारी टर्फिंग की कॉस्ट कितनी आ गई दैट इज वन लैक थर्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड रुपीज इज द आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ इस क्वेश्चन में कह रहा है इन द गिविन फिगर इस फिगर में फोर इक्वल सर्कल्स आर डिस्क्राइब्ड अबाउट द फोर कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्र सो दैट ईच सर्कल टचेज टू द टू ऑफ द सर्कल आज शोन इन द फिगर इसमें फोर सर्कल्स बनाए गए हैं कॉर्नर पे और दोनों सर्कल आपस में टच कर रहे हैं ये दोनों आपस में टच कर रहे हैं और ये दोनों और ये दोनों राइट right? इस तरीके से बनाए गए हैं कि दोनों सर्कल्स आपस में टच करें फाइन द एरिया ऑफ द शेडड रीजन हमें इस पार्ट का शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है ईच साइड ऑफ द स्क्वायर मेजर्स फोर्टीन सेंटीमीटर अगर सारी साइड स्क्वायर की फोर्टीन सेंटीमीटर हैं तो कैसे करेंगे देखिए सारे सर्कल्स इक्वल हैं वो ऑलरेडी कह चुका है अगर हम इस स्क्वायर के एरिए में से इस सर्कल का ये ये पार्ट एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा रिमेनिंग पोर्शन आ जाएगा कैसे करेंगे देखिए साइड दे रखी है स्क्वायर की तो साइड ऑफ स्क्वायर दे रखा है हमें दैट इज 14 सेंटीमीटर तो हमारा एरिया निकल जाएगा स्क्वायर का एरिया ऑफ स्क्वायर जो कितना होता है साइड इनटू साइड होता है तो फोर्टीन इंटू फोर्टीन कितना हो गया फोर्टीन फोरज फिफ्टी सिक्स फाइव कैरी फोर्टीन वनज फोर्टीन एंड नाइनटीन और क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर में दी तो एरिए की यूनिट स्क्वायर यूनिट होती है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर अब हमें ये पूरी साइड 14 सेंटीमीटर दे रखी है और ये हमारा रेडियस होता है राइट तो ये आधा हुआ इस पूरी लेंथ का रेडियस क्यों आधा हुआ क्योंकि ये दोनों इक्वल है सर्कल और आपस में टच कर रहे हैं तो तो जो हमारा रेडियस है सर्कल का रेडियस ऑफ सर्कल जो है वो कितना हो जाएगा ए बी की लेंथ का आधा राइट right? स्क्वायर की एक साइड का आधा हो जाएगा तो स्क्वायर की एक साइड 14 सेंटीमीटर थी तो उसका आधा कितना हो गया 7 सेंटीमीटर हो गया अब हम वन फोर्थ क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेते हैं क्योंकि ये वन फोर्थ पार्ट है सर्कल का इसलिए वन फोर्थ एरिया ऑफ वन फोर्थ सर्कल देखिए कैसे निकलेगा पूरे सर्कल का एरिया पायर स्क्वायर होता है और वन फोर्थ का एरिया वन अपॉन फोर कर देंगे उसका फिर से बता रही हूँ पूरे सर्कल का एरिए को वन फोर्थ कर देंगे तो वन फोर्थ पार्ट का एरिया आ जाएगा कौन से पार्ट का एरिया सिर्फ इस पार्ट का एरिया आ जाएगा राइट तो वही किया है वन अपॉन फोर एज इट इज पाई की वैल्यू हमें पता है ट्वेंटी टू सेवन होती है और आर अभी अभी हमारा सेवन निकल गया है राइट तो ये कितना आ गया सेवन से सेवन कैंसिल हो गया टू टूज अट टू इंटू इलेवन एज ट्वेंटी टू तो यह आ गया हमारा सेवन इंटू इलेवन एज सेवेंटी सेवन अपॉन टू सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एक क्वाड्रेंट का राइट वन फोर्थ पार्ट का तो चार पार्ट हैं. तो चारों का कितना एरिया आ जाएगा एरिया ऑफ फोर क्वाड्रेंट्स दैट इज एक का एरिया दे रखा है एक क्वाड्रेंट का इसको वन फोर्थ सर्कल ना लिख के आप क्वाड्रेंट भी लिख सकते हैं राइट right? तो एक का एरिया दे रखा है ज़्यादा का निकालना है तो एक के एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेवेंटी सेवन अपॉइंट टू को फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं या एक सर्कल का एरिया निकालिए क्योंकि वन फोर्थ वन फोर्थ करके ये चार बार है तो एक पूरा सर्कल बनाता है तो वैसे भी कर सकते हैं कैसे भी कर सकते हैं आप वन फोर्थ क्वाड्रेंट का निकाल के फोर से मल्टीप्लाई कर दीजिए या एक पूरे सर्कल का एरिया निकाल लीजिए वन एंड द सेम थिंग तो ये कितना आ जाएगा टू वन ज टू 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 ज फोर तो ये आ गया टू सेवनज फोर्टीन टू सेवनज ऑफ फोर्टीन प्लस वन इज फिफ्टीन सेंटीमीटर स्क्वेयर आ गया इस चारों क्वाड्रेंट्स का एरिया अब हम इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकाल सकते हैं एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कितना आएगा देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर में से बड़े के एरिया में से हम एरिया ऑफ फोर क्वाड्रेंट्स माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या था 196 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसमें से हम फोर क्वाड्रेंट्स का एरिया दैट इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस कर देंगे तो ये कितना आ गया सिक्स में से फोर गैस टू फोर्टी टू सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया इस शेडेड पोर्शन का आंसर लेट्स यू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ